नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। क्या आप भी गूगल टास्क मेट से अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप भी गूगल टास्क मेट ऐप को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपको रेफरल कोड यानी कि इनविटेशन कोड नहीं मिला है गूगल टास्क मेट ऐप का? तो अगर आप भी गूगल टास्क मेट ऐप का इन्विटेशन कोड और रेफरल कोड पाने के लिए बेकरार है और पाना चाहते हैं और इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन्विटेशन कोड या फिर गूगल टास्क मेट ऐप के रेफरल कोड के चक्कर में मत पड़िए, वरना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और कभी भी गूगल टास्क मेट ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे जीवन भर। ये मैं दावा कह रहा हूँ, ये मैं प्रूफ के साथ आपको करके बताऊँगा कैसे आप एक गलती की वजह से कभी भी गूगल टास्क मेट ऐप से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप गूगल टास्क मेट ऐप से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अभी ये गूगल टास्क मेट ऐप का बीटा वर्जन है, इसके बाद गूगल टास्क मेट ऐप सभी के लिए अवेलेबल होने वाला है। तो इस वीडियो में क्या कुछ है, इस सभी बातों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आपके साथ एक भी चीज़ मिस हुई तो आप हमेशा के लिए अर्निंग गवा बैठेंगे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, गूगल टास्क मेट ऐप आपके हमारे सभी लोगों के लिए है। अभी ये गूगल का बीटा वर्जन चल रहा है। बीटा वर्जन का ये मतलब ये होता है कि अभी ये टेस्टिंग मोड में है। जैसे ही गूगल सबके बारे में इसमें जो भी कमियां हैं वो दूर कर लेता है, उसके बाद ये आप ही के लिए अवेलेबल होने वाला है। गूगल अपने पास इसको रख के नहीं बैठने वाला है, ये आपके लिए ही बनाया हुआ है। इसलिए अभी आप रेफरल कोड इन्विटेशन कोड के चक्कर में मत पड़िए और यहाँ वहाँ से कहीं से भी जो ये दावा करते हैं कि रेफरल कोड इन्विटेशन कोड दे देंगे आपको, तो इस चक्कर में थोड़े बचने की कोशिश करिए। कारण क्या है कि बहुत सारे इसमें स्कैम चल रहा है, कहीं से भी आपको रेफरल कोड नहीं मिलने वाला है। जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल है जैसे कि टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब चैनल, इसके बाद आपका स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल, योगेंद्र योगी यूट्यूब चैनल, तो ऐसे कई यूट्यूब चैनल है जिनके पास हो सकता है ये रेफरल कोड आया हुआ है, लेकिन ये सभी के लिए गूगल ने अभी उपलब्ध नहीं किया हुआ है। हालाँकि कुछ वेबसाइट भी दावा कर रही है जिनके पास रेफरल कोड है और वो कह रही है वैलिड है। मैंने भी एक रेफरल कोड के बारे में वीडियोस बनाया है जिसको मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन वो इनवैलिड हो गया और कहीं ना कहीं उससे मुझे एक अटेम्प्ट का नुकसान हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं आपको मना क्यों कर रहा हूँ। कारण आपने देखा होगा कि गूगल का रेफरल कोड वहाँ डालना पड़ रहा है। जब आप रेफरल कोड डाल रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें आपको रेफरल कोड नहीं मिला हुआ है। अगर आप एक दो तीन मतलब तीन बार आपको अटेम्प्ट करने के लिए गूगल रेफरल कोड देगा, अगर आपने तीन बार रेफरल कोड गलत डाल दिया तो ये ईमेल आईडी हमेशा के लिए आपकी ब्लॉक हो जाएगी और गूगल आपको इस ईमेल आईडी को कभी भी यूज़ करने के लिए नहीं अटेम्प्ट करने के लिए कभी भी आपको हाँ नहीं करेगा। इसके लिए आप हमेशा के लिए जो गूगल टास्क मेट ऐप को यूज़ करना चाहते हैं वो हमेशा के लिए गवा बैठेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई बार बैंक के पासवर्ड रहते हैं, हम दो तीन बार गलत डाल देते हैं तो वो 24 घंटे के लिए या एक दो दिन के लिए लॉक हो जाता है, और कई बार मोबाइल के पासवर्ड हम गलत डाल देते हैं तो वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है हमारा। तो ऐसा ही इसके साथ होने वाला है। आप ध्यान रखिए, आप किसी भी गलत फहमी में मत पड़िए। रेफरल कोड कहीं पर भी किसी कोई भी आपको नहीं दे सकता। आपको ध्यान ये रखना है कि एक बार ज़रूर आप कहीं से रेफरल कोड अटेम्प्ट कर लीजिए। एक बार अगर आपका गलत हो जाता है तो दोबारा मत करिए, क्योंकि तीन बार आपके चांस है और तीन बार अगर आप मिस कर देते हैं तो हमेशा के लिए अपॉर्चुनिटी खो देंगे। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, गूगल टास्क मेट ऐप से आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, आप अपनी पॉकेट मनी तो निकाल ही पाएंगे। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर वर्क एट होम करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, मेक मनी कमाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अभी इसको कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, जैसे ही आम पब्लिक के लिए आएगा सबसे पहले आप इसको यूज़ करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी हिट कर देना जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको दो तरह के टास्क देखने को मिलेंगे जिसमें आप सिटिंग टास्क और रनिंग टास्क दोनों कर सकते हैं। जैसे कि इसमें टास्क कैसे रहेंगे, थोड़ा सा मैं इस पर नज़र डालूं तो इसमें छोटे छोटे टास्क गूगल आपको प्रोवाइड करवाएगा, जैसे कि एक सर्वे फॉर्म भरना
या फिर कोई सी स्पेसिफिक फ़ोटो को क्लिक करना, या फिर कोई सी शॉप वो दे देगा आपको, उस शॉप के पास जाना, नियरेस्ट शॉप आपको मिलेगी, उस शॉप के फ्रंट हैंड के अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करना और अपलोड करना, इस टाइप के छोटे छोटे टास्क मिलेंगे। या तो फिर कोई सी दूरी है वो नापना आपको, जैसे रेलवे स्टेशन तक की, यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन तक की कितनी दूरी है इसको नापना, इस टाइप के छोटे छोटे टास्क मिलेंगे। और एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्क एट होम आप इसको आसानी से कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर पाएंगे आप। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, गूगल टास्क मेट के इनविटेशन कोड या रेफरल कोड के चक्कर में मत पड़िए और अपना जो अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाली है उससे हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आपको कुछ जानकारी देना थी। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।